शोपियान से 15 किलोमीटर की दूरी पर तरकवांगा, मोलू और मुतलिका 15 देहात से ताल्लुक़ रखने वाली आबादी 1998 में लासीपोरा ग्रिड स्टेशन फंक्शनल होने के बाद से हुकाम से मुतालबा कर रही है कि उन्हें लासीपोरा ग्रिड स्टेशन से बिजली सप्लाई मुहैया की जाए, जो कि सिर्फ तरकवांगा और मोलू से 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। वाज़ह रहे मज़कूरा आबादी को बिजली की फराहमी चित्रागाम सब डिवीज़न से हो रही है और मज़कूरा आबादी को बिजली की अदम दस्तियाबी का सामना है। मज़कूरा आबादी बिजली की अदम दस्तियाबी का सामना करने से काफ़ी दुश्वारियों का सामना कर रही है। प्रॉब्लम इलाकस में तकरीबन 13 गाम यहाँ कम से कम आबादी 50,000 लुक यानी 10 मिनट अलव पावर हेकान रूज कह तकरीबन 15,000 लुक इन इल्तिमास करें ये गवर्नमेंटस गई ती अफसर नश वह तिमन वन तो यह दलील तम से तौर दिवन जवाब कि तुम अस कर्म मंजूर ग्रिड तथ त गई जवरी वनानी ओन सू कु ना ठेका ना कम गुन ग कहें 15 गाम से दरबदरी मे गाश रोस्त बिहत सर शुर पढ़ तम क्या पढ़ें क्या प्रॉब्लम वर्षन कथे अतन पावर अस चलान तुम ये गाश हाँ और कह किलोमीटर शिरको पे तरकवांगो लान वोट चोर तो पाँच तो यहाँ से गई अजस्त। हमारी जो ज़मीन है यहाँ इन 9 गाँव की ज़मीन है जो लासीपोरा में है, ज़मीन यहाँ की है लेकिन नाम दिया गया है ये पुलवामा का है। वहाँ पर बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन है जो हमसे खाली 1 किलोमीटर दूर है और वहाँ से जो जब बिजली जाती है वो पहले जाती है सब डिवीज़न चित्रागाम, वो कहाँ से गुजरते हैं थ्रू हिली एंड करेवेज एरिया से, चाहे समर हो चाहे विंटर हो राउंड द ईयर वो फॉल्टी रहती है क्योंकि उसमें नाकस पोल है, नाकस तार है और जो भी महकमा है वो लाइट मटासे मस नहीं हो रहे हैं। क्योंकि पिछले दो साल से सुगर में जो एहजाज हुआ वो 33,000 केवी जो डिस्कनेक्ट किया गया वहाँ पर एहजाज किया लोगों ने, वहाँ पर भी हमने आला हुकाम से अपील की थी कि हमारा ये जो ऋषिपोरा का स्टेशन है, चित्रागाम का सब स्टेशन है, सब डिवीजन है, इसको हमको डिस्कनेक्ट कीजिए और हमारा यहाँ पर सिर्फ 3 किलोमीटर का फासला है सिड़को तक, जहाँ पर 1 किलोमीटर सिर्फ, और वहाँ पर अगर हमसे कनेक्ट ये हमारा गाँव वहाँ से कनेक्ट किया जाएगा हमारी ये प्रॉब्लम हर हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। हमारा यहाँ पर 18 घंटा 20 घंटा कंटेनमेंट होता है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर ज़मीन हमारी है, हमारा वो इलाका है, हमारे वो हमसाया हैं, वहाँ पर जब उनका पावर बहुत अच्छी तरह से होता है, हम भी ये मुतालबा करते हैं कि इस तरकवांगम के इलाके को जो कि यहाँ से सुगन से लेकर हफकुड़ी से लेकर वहाँ मुलू चित्रागाम तक चलता है तो यहाँ पर किसी भी तरीके से हमारा ये कनेक्ट कीजिए सड़कों के साथ, फिर हमारी ये प्रॉब्लम हर हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। वो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी भी और आला हुकाम की भी। वहाँ पर उन्हें यही रिएक्शन दे कि हमारा वहाँ पर जो है वो ओवरलोड हो जाएगा, जो वहाँ पर पहले ही वहाँ पर हमें ओवरलोड होता है लेकिन तब से भी आज से 4-5 साल हो गए अब तक वो वहाँ पर ओवरलोड नहीं होता है, लेकिन हमारा जो वो मुतालबा था वो उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया।